छोटी सी रिसर्चर हूँ, छोटी मोटी सी एफर्ट्स हैं। और जो सबसे मज़े का काम मुझे लगता है वो ये है कि कभी कभी मौका मिलता है यूथ के साथ इंटरेक्ट करने का, जैसे आज आप लोगों के साथ, या फिर ये कि जो भी कोर्सेज पढ़ाने की बात है अपने इंस्टीट्यूट में या अदर इंस्टीट्यूशंस में, तो दैट इज़ समथिंग विच आई लव। और बस इतना ही तारुफ काफ़ी है कि छोटी सी रिसर्चर हूँ। इन्होंने तो इतना लंबा करा दिया कि मैं एम्बैरेस हो रही थी। एनीवेज अच्छा ये स्लाइड्स कैसे मूव होगी? अच्छा मतलब मैं बताऊंगी अगली स्लाइड को आपके लिए। ऐसे नहीं हो सकता कि वो लैपटॉप मेरे पास हो, मैं खुद ही कर लूं। जी वायर फिक्स है। चलें, ये वो चीज़ है जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ, उसके लिए पहले मान है। अच्छा तो बिगिन में जहाँ तक मुझे पता है आप लोग सोशल साइंस से बिलोंग करते हो सर, एजुकेशनल लेवल बीएस एमएस, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम बीएस एंड हाउ मेनी आर बीएस? सब बीएस। ओके, रिसर्च लेवल है या शुरू के चार पाँच सेमेस्टर? आप लोग इसका मतलब वी आर सपोज टू डिस्कस बेसिक्स ऑफ रिसर्च, राइट? ओके, थोड़ा सा मुझे बताएं कि मुझे ये पता लगा था कि आप लोगों से हमने कुछ मांगे थे रिसर्च प्रपोजल्स, आप लोगों ने बनाए। थोड़ा सा अपने टॉपिक्स बताएं कि मुझे एब्स्ट्रैक्ट्स दिए। ओके, थोड़े से टॉपिक्स दो चार, आई जस्ट वांट टू हैव एन आइडिया ताकि सारी डिस्कशन में जो एग्जांपल्स आए वो आप लोगों से रेलेवेंट हो। या हम फील्ड्स देख लेते हैं, आप में से हिस्ट्री से कोई बिलोंग करता है? साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आईआरएस एंड पॉलिटिकल साइंस? 99% आईआरएस। ओके, इसका मतलब मुझे पहले बताना चाहिए था, थोड़ी सी फील्ड फर्क कर। चले कोई बात नहीं। सो टू बिगिन विद पहली स्लाइड। ओके, हमारा बेसिक सवाल और इस बेसिक सवाल की बेसिक जवाब हमें आप लोग देंगे, व्हाट इज रिसर्च? जी वी कैन से दैट रिसर्च मींस टू रीच आउट न्यू थिंग्स एंड टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, लाइक किसी प्रीवियस डेटा में से कोई नई चीज निकालना मैम, या कुछ नया एक्सप्लोर करना चीजों को, कुछ नया एक्सप्लोर करना। एनीथिंग एल्स? जो पहले रिसर्च हुई भी है उसको किसी नए नाम से प्रेजेंट करना। अच्छा, एक नई बात हो गई, एक आपको पर्सपेक्टिव आया न्यू, एक टू रिवाइव ओल्ड, व्हाट एल्स? एंड वी कैन से दैट मैम की जो राइजिंग इश्यूज हैं हम उनके ऊपर, जिस तरह कोविड था इसके ऊपर ना कोई प्रीवियस रिसर्च थी और ना कोई कह रहा था। ओके, सो राइजिंग इश्यूज, राइजिंग इश्यूज के ऊपर भी रिसर्च हो सकती है, जिसके ऊपर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हम बेसिकली उनके ऊपर रिसर्च करके हम उसे मार्केट कर सकते हैं। एनीवन एल्स? एक नया टॉपिक, एक नया कंक्लूजन ड्रॉ करना, एक नया नॉलेज तकलीफ करना, उसको टू क्रिएट न्यू। और कुछ? एपिस्टेमोलॉजी और एथनोलॉजी के बेसिस पे एक एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है। अभी साथ ही साथ ही बात के करो भाई, एपिस्टेमोलॉजी और एथनोलॉजी सब को थोड़ा सा आगे जाके चलिए। जो बिगिन में जिंदगी का एक उसूल याद है कि व्हेन यू आर सपोज्ड टू बिगिन। अच्छा, एक तो मतलब मेरे पास दो मेथड्स थे, या तो ये होता है कि मैं फॉर्मली 20-25-30 सफ़ों की प्रेजेंटेशन तैयार कर लेती, यहाँ खबरनामा सुनाती और चली जाती, बट इन द वर्कशॉप्स आई डोंट बाय दिस आइडिया। मुझे ये लगता है कि अगर आप कहीं गेस्ट स्पीकर, एज गेस्ट स्पीकर एक लेक्चर के तौर पे जा रहे हैं, देन यू कैन डू दैट कि आप बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के ले जाएं और वहाँ सुना के गुजर लें, लेकिन वर्कशॉप मीन्स टू हैव एन इंटरेक्शन। तो मेरी ये कोशिश होगी कि पूरा सेशन हम लोग इंटरेक्ट करें। उसके अंदर दो बुनियादी बातें हैं। पहली बुनियादी बात ये है कि किसी भी सवाल को, बुनियादी से बुनियादी सवाल को कभी हकीर मत समझें। ये मत समझेंगे यार ये सवाल पूछूं, ये सवाल पूछूं तो सब हंस देंगे, यार मैं यहाँ बैठ के ये सवाल पूछता अच्छा लगता। डोंट एवर थिंक लाइक दैट। 80% टाइम्स जो सवाल पूछने से हम डिस
रहे होते हैं, वो सवाल हमारी गैदरिंग के 90% लोगों के दिमाग में होता है और वो सब इसी हेजिटेशन का शिकार होते हैं कि इतनी बेसिक बात क्यों पूछ लूँ या कैसे पूछ लूँ। हालांकि हम जब तक उस स्पेस से शुरू नहीं करेंगे वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट। तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क द मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस इवन इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन्स होप क्वेरीज, ठीक है। क्योंकि जब हम लाइक जिंदगी में शायद बीएस इज द लेवल जहाँ आपको उस्ताद मिलता है, उसके बाद आप में से मेजॉरिटी को उस्ताद बनने जा रहे हैं, तो वो लोग जो बेसिक सवाल पूछने से हिचकिचाते हैं वो बेसिक्स मिस आउट कर जाते हैं, और जो बेसिक्स मिस आउट कर जाते हैं वो कंस्ट्रक्ट हमेशा वे हवाओं में करते हैं। और यही वजह है कि फिर वो स्टडी वो रिसर्च वो जिसको बेस से स्टार्ट होकर कुछ पॉजिटिव कंस्ट्रक्ट करना चाहिए आधे रास्ते में कहीं से कहीं डिविएट हो जाते हैं और प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ठीक। तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, ऑल द क्वेश्चंस आर इक्वली वेलकम। इसीलिए सबसे पहले सबसे सादा सवाल और मुझे इसके सादे सादे जवाब चाहिए। सो प्लीज़ सामने बैठी हुई बच्चियाँ जी प्लीज़। Analyzing data. Okay. Anything else? Any other view? अच्छा अब ontology, epistemology, modernism, postmodernism, वो सारी जो जो चीज़ें पढ़ी उस हवाले से जो definitions आप शेयर करना चाह रहे हैं, मतलब मेरे लिए भी रिसर्च की सारी डेफिनेशन ये है टू सर्च टू ट्राई एंड फाइंड, क्या ढूंढना है उसके बारे में हम अभी आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे क्योंकि देर इज अ लॉट टू डू। तो टू बिगिन विद आपके हिसाब से जैसे हम लोग हमेशा जिस भी क्लास में जाते हैं जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ा जाता है तो पहली क्लास में टीचर आते हैं और बड़ी भारी भारी सी डेफिनेशन सुना देते हैं, फला स्कॉलर ने लेगा फला नहीं लेगा फला पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग, तो उस तरह की डेफिनेशन अगर आप लोग शेयर करना चाहें तो वेल मोस्ट वेलकम जी। Ability to think clearly or rationally and write clearly. Research the ability to think clearly or rationally about what to do or what to believe. यहाँ पे हमारे पास clarity और rationality आ गई, ठीक? Anything else? Hello. देखिए हमारे पास टाइम बड़ा मुख्तसर है तो अगर हम शुरू से जाग जाएंगे तो वी विल बी एक्टिव एंड वी विल बी एबल टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि आप लोग भी मुझे पता है अपने बहुत सारे काम छोड़ के या समर वेकेशन की मजे की नींद छोड़ के यहाँ अगर बैठे हैं तो ऑब्वियसली दिस टाइम शुड बी यूटिलाइज्ड प्रॉपरली एंड दिस टाइम ओनली कैन बी यूटिलाइज्ड अगर आप लोग मेरे साथ देंगे, अदरवाइज मैं तो इस टॉपिक में अगर बोलने खड़ी होगी तो फायदा कर। So, अगली स्लाइड कर दें प्लीज। ओके अच्छा इस पे हम बाद में आएंगे, इससे पहले एक और अगली स्लाइड कर दीजिए। ओके मैंने भी कोशिश की कि दो चार डेफिनेशंस लिख लूँ ताकि हम पढ़ के थोड़े से सिस्टमैटिक उस पर भी चले जाएँ। रिसर्च इज एन ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज मेकिंग फॉर इट्स एडवांसमेंट, कुछ है कुछ हम उसके ऊपर नया बना लें ताकि उसको ग्रो कर सकें। देन इट इज इन द परसुएट ऑफ ट्रूथ विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑब्जर्वेशन कंपैरिजन एंड एक्सपेरिमेंट। अगर यहाँ आप ये देखेंगे ऑब्जर्वेशन कंपैरिजन एक्सपेरिमेंट ये वो सारी चीज़ें हैं जो रिसर्च में साथ साथ चलती हैं। किस रिसर्च मैथड में हम इसमें से कौन सी ऑप्शन ऑप्ट करते हैं या हम सारी ऑप्शंस ऑप्ट करते हैं या हम किसी एक ऑप्शन को प्रायोरिटी दे के बाकियों को सही लाइन में रखते हुए चलते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है। क्योंकि आपका रिसर्च मैथड रिसर्च मेथडोलॉजी आपके थेरेटिकल फ्रेमवर्क ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ रिसर्च मैटर्स ऑन और बेसिस ऑन योर टॉपिक, उस टॉपिक में आप पर्सपेक्टिव क्या लेते हैं, उस पर्सपेक्टिव को किन परसेप्शंस के साथ लेकर चलते हैं और उन परसेप्शंस में कौन सा रिसर्च मार्केट है जिसे अप्लाई करने की जरूरत है। मैं बहुत तेज तो नहीं चल रही। देन
systematic investigation into the study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions. अब यहाँ किस चीज को अहमियत दे दी? सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन को, मटेरियल्स एंड सोर्सेज की. व्हाई वी आर थिंकिंग अबाउट सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन और उसके साथ फिर हमें मटेरियल्स या सोर्सेज की बात क्यों करने की जरूरत है? मैम, जब भी हम किसी चीज के बारे में रिसर्च करते हैं तो उससे पहले हमारा माइंड में कुछ क्वेश्चन राइज होते हैं, मीन कि हम इस चीज़ के बारे में या तो हम पहले पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें हमारे माइंड में आएंगी कि यहाँ से ये चीज़ मिस है और इस चीज़ के बारे में तो सोचा जा सकता है. फिर हम लोग उस चीज़ के बारे में एक वे ड्रा करेंगे कि हम इस वे को फॉलो करते हुए हम लोग वहाँ पे जाएंगे. तो वो चीज़ जो है ना सिस्टमेटिक हो जाएगी और फिर जब हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ से इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी उसकी स्टार्ट हो जाएगी. एट दी एंड जो हमारी फाइंडिंग होगी या हमारे जो कंक्लूजन होगी तो वो सारे प्रोसेस से चल रहा होगा. तो हम इसलिए उसे कहते हैं कि एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है. ओके, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियल्स एंड सोर्सेज इन दिस? मैम, वी कैन से दैट कि एक तो वे फॉरवर्ड होता है और एक वे बैक होता है. As a researcher, what is my hypothesis? So अगर मैं way forward देखूंगा और way back देखूंगा, if I was not being a systematic study, then I was not being on the way on which I have to do that. So I have to know about my way and what is my hypothesis. So my data analysis is based on that. So at that time, when I reach to the conclusion, so this is the basic steps to way in the systematic way. यानी यहाँ हमने बात करी वे फॉरवर्ड एंड वे बैक. व्हाई वे फॉरवर्ड के लिए वे बैक की जरूरत क्यों है? बेसिकली वी आर स्टडिंग ऑन एक मिनट, फिर सबको थोड़ा थोड़ा जगह आते हैं फिर आपके पास आते हैं. हाँ जी, व्हाई इट इज नेसेसरी और इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट टू ऑप्ट टू गो वे बैक टू गेट अहेड? एक तो वो जंगों की पॉलिसी होती है ना कि दुश्मन को आप धोखा दे रहे हैं या मार गए, दुश्मन रिलैक्स हुआ है, ये लगा रहे हैं. दिस इज वन मिनट. नहीं, मिसाल ये इसलिए दी है कि इसको ही रिलेट करें. ट्राई एनीथिंग, एनी पॉलिसी. आप लोग आई आर्स के हैं इसलिए भी मैंने जंगों की मिसाल दी, क्योंकि आई आर्स फाइट्स बैटल्स स्ट्रेटजीज आपकी बातें साथ साथ इसलिए लिख रही हूँ ताकि हम आगे चल के इन्हें यूज भी करें. आपको जब तक बैकग्राउंड नहीं बता ऑब्वियसली आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कैसे होगी? लेकिन थ्योरी किस स्टेज पे अप्लाई होगी? शुरू में ही हो जाएगी. मैम, जब हम एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे कि और उसके बाद जो हमारा पर्सपेक्टिव होगा तो उसी अकॉर्डिंग चलेंगे ना, कि ये थ्योरी हम जो चीज़ अप्लाई करें तो ये थ्योरी उस चीज़ को आप फॉलो कर रही है. अच्छा, जहाँ तक बात है थ्योरी की, तो बेसिकली थ्योरी इज यूज्ड और यूटिलाइज्ड एट अ वेरी लेट स्टेज. ठीक है, दो चीज़ें होती हैं थ्योरी के यूजेज में, मैं आपको यही ये बात डिस्कस कर रही हूँ. वन थिंग इज दैट पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा जी फ्लॉ थ्योरी है, जैसे हम अभी मार्क्सिज्म ही को एज थ्योरी ले लें और हम उसको अप्लाई करने लग जाएं, तो हम अपना जो भी सोर्स को डिटेल पढ़ेंगे हमारे दिमाग में वो एक सेट पैटर्न आ गया मार्क्सिज्म का या सोशलिज्म का, और हम उस पैटर्न में पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे और उसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पूरी इंटरनेशनल रिलेशंस की जो भी सेटअप है उसको उसमें फिट इन करने की कोशिश करेंगे. रिजल्ट हमारा सारा जो एक पर्सपेक्टिव बनेगा वो उस थ्योरी के अंदर बनेगा. नतीजा जो चीज़ें उस थ्योरी को सपोर्ट करेंगी वी विल बी अडॉप्टिंग दोस, वो चीज़ें जो उस थ्योरी को निगेट करेंगी वी विल बी
a site hoga bahut sari important information which is required to study that topic usko hum iske site kar denge ki wo hamari theory ko suit nahi karti. Secondly, maybe aapke us topic ke liye wo theory suitable nahi hai, aapke to kuch aur munasib ho lekin wo aapko aage chalne ke liye. तो अगर आप शुरू में एक स्पेसिफिक चीज़ के साथ चल पड़े हैं तो आप जनरली ह्यूमन बींग्स का ये बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है कि व्हेन इट एक्सेप्ट्स वन थिंग तो रास्ते में आने वाली बाकी चीज़ों को वो साइड करता जाता है, क्योंकि उसे अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए जितनी भी सपोर्टिंग या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स बन रहे होते हैं वो उन्हें बोरो करता चला जाता है और बाकी चीज़ों को असाइड करता जाता है. इस तरीके में जो स्टडी डेवलप होती है आप उसको किसी हद तक डिसेप्टिव स्टडी भी कह सकते हैं, यानी आपने उस थ्योरी की रोशनी में अपने टॉपिक को पूरा डिफाइन कर दिया और कोई भी स्कॉलर भी उसको पढ़ेगा तो वो बड़ी परफेक्टली परफेक्ट स्टडी बनेगी. लेकिन क्या वो स्टडी उस टॉपिक को रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या वो वाकई रियलिटी पर बेस्ड स्टडी है, क्योंकि सोशल साइंसेस का एक बड़ा प्रॉब्लम है. क्या जी कौन सा सब्जेक्ट है, सॉरी आवाज नहीं आ रही, प्लीज थोड़ा सा लाउड. आप लोग बात ठीक कर रहे हैं लेकिन सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज रिपीट. इनिशियली जो रिसर्च होती है वो बायसेटिक मॉडल से बेस नहीं करती, आप उसमें पहले सब असम्पशंस को लेते हैं, उसके बाद जो है वो फाइनली जो है कोई थ्योरी या फिर जो तैयार या और इस रियलिटी सब्जेक्ट को थोड़ा डिफाइन करेंगे. Reality is subjective in nature. Okay. मैं इन simple words में ये कह सकते हैं कि social sciences का student जो देखते हैं वही लिखने की कोशिश कर रहा होता है. They can't comparison with each and other things के world के अंदर. Let's suppose I'm a law student and I'm writing on child rights. So I'm writing what I can see about the child in my society. So और मैं भी इधर उधर से थोड़ा बहुत ढूंढ के और उसके ऊपर अपनी थोड़ी और research करके उसको एक model दे देता हूँ. बुनियादी बात, सोशल साइंसेस आर लिंक्ड विद सोसाइटी. ठीक, सोसाइटी मीन्स ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स की बेस क्या है, दे आर अनप्रिडिक्टेबल. आपका अच्छा मूड होगा तो आप चाहे पूरी रात ना सोए हो, सुबह आप उठेंगे आपका मूड अच्छा है, आप किसी भी बात पे खुश हैं तो आप क्लास में बड़ा पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करेंगे, दोस्त से पैर पे पैर रख दिया तो उसे पकड़ के परेगा तो याद देख के जाए. वही अगर आपका मूड ख़राब है, आप डिस्टर्ब हैं, तो क्लास में आपने जवाब दे दिया, टीचर ने उसको रिपीट करने के लिए भी कह दिया, मैं तो इसके बाद बात ही नहीं करी, हाँ मूड ख़राब. अच्छा, सिमिलरली पैर पर पैर आ गए किसी का एटीट्यूड है ना, पैर पे पैर आना एक अमल है जिसके 101 रिएक्शंस हो सकते हैं अगर उस एनवायरनमेंट में 101 लोग मौजूद हैं. तो टू स्टडी सोशल साइंसेस वी नीड टू बी मोर केयरफुल, इसलिए कि हो सकता है ना एक सर्टेन सिचुएशन में जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हों वो दूसरी सिचुएशन में इम्प्लीमेंट ना हो. सिमिलरली हम आज जो कॉन्सेप्ट बोरो कर रहे हैं मे बी वो पाकिस्तान पर इम्प्लायर होता है, वो इंडिया में इम्प्लाई ना होता हो. तो जब हम जनरलाइज करेंगे, हम यूरोप बेस्ड कोई थ्योरी लेके पाकिस्तान में अप्लाई करेंगे तो क्या वो प्रॉपरली एप्लीकेबल होगी? एनीवन एल्स? नो मैम, मुझे सोशल एनालिसिस बहुत जरूरी होता है सोशल. लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादती है, सीधा नो. व्हाई? बिकॉज सोसाइटी तो है, कुछ ह्यूमन बिहेवियर्स हैं जो नेचुरल हैं, तो टू सम एक्सटेंट शायद वो इम्प्लाई हो सकती हो, लेकिन शायद हमें उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स करने की जरूरत हो. कीपिंग इन माइंड आर सोशल कंस्ट्रक्ट्स, सोसाइटी अलग है तो थ्योरी को अमेंडमेंट्स की जरूरत है. बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बहुत सारे जॉगन्स इस्तेमाल कर लेते हैं, जी प्री मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, प्रिमिटिव सोसाइटी, ये सोसाइटी
चल रहा है, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट फेज ऑफ सोसाइटी चल रहा है, अभी तक बहुत सारी सोसाइटी है जो प्रिमिटिव टाइम्स से भी बहुत पीछे के वक्तों में, शायद पत्थर के ज़मानों में जी रही है, उनके लिए कौन सा पोस्ट मॉडर्न टाइम? ये सवाल मैं इसलिए उठा रही हूँ कि जब एक रिसर्चर रिसर्च स्टार्ट करता है, वो एक टॉपिक सेलेक्ट करता है, तो वो मतलब शुरू में हम बड़े आइडियलिस्ट होते हैं, वी स्टार्ट थिंकिंग अच्छा मुझे डिजाइन की थीरी चाहिए, मुझे वेबर की ये थीरी बहुत ओपिनियन है, मुझे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में ये जॉगन्स हैं, ओ वाओ व्हाट अ स्टडी आई एम गोइंग टू मेक, ठीक है, क्या हमें वो सब उस तरह से बोरो करने की जरूरत है, क्या हम वो सब उस तरह से ऑफ कर सकते हैं? अफ्रीका के अगर आप कुछ रीजन्स देखें तो शायद बड़े डेवलप्ड मिलेंगे, कुछ ऐसे हैं जहाँ खाने को एक वक्त का खाना नहीं, कुछ और भी ऐसे हैं जो आज से पत्ते पहन के जी रहे हैं, उनके अभी तक कपड़ा नहीं, तो अब वो जो पत्ते पहन के जी रहे हैं उनका अमेरिका की किसी भी सोसाइटी से कंपेरिजन कर सकते हैं? तो वो जो डिफरेंस है, ये वाली मिसाल इसलिए दे रही हूँ, मे भी आपको लग रहा हो कि सूचबल नहीं है, लेकिन दीज आर टू क्रिएट अ क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, व्हेन वी डिसाइड अ रिसर्च टॉपिक वी नीड टू फोकस ग्राउंड रियलिटीज ऑफ दैट टॉपिक, फिर उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, उस सोसाइटी की रियलिटीज जिसके हवाले से वो टॉपिक सेलेक्ट किया गया है, एंड अबव ऑल टाइम। टाइम की बात क्यों करी, यानी वक्त, दौर, आज के दिन का पाकिस्तान आज से शायद 9 मई से पहले के पाकिस्तान से डिफरेंट है, 9 मई से पहले का पाकिस्तान शायद 2018 के पाकिस्तान से फर्क है। सिमिलरली अगर आप पीछे जाते चले जाओ 5 सालों का या मेजर इवेंट्स का या रिसेंट मोस्ट इवेंट की मिसाल देने का मतलब हरगिज नहीं कि मैं किसी को हाईलाइट कर रही हूँ या किसी के लिए कोई डिग्रेडेशन रख रही हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ की वजाहत करने की कोशिश कर रही हूँ कि व्हेन वी आर सपोज टू सेलेक्ट अ टॉपिक तो उसके अंदर वी नीड टू थिंक अबाउट कि हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या है, उस टाइमिंग के हिसाब से, और टाइमिंग का मतलब ये नहीं है कि 12 अगस्त 1922 को ये चीज़ होगी, वो टाइम का मतलब होता है एक टाइम फ्रेम, टाइम और टाइम फ्रेम का जो डिफरेंस है वो भी रिसर्चर को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, तो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से जब आप रिसर्च को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, देन यू विल बी रियलाइजिंग कि व्हाट एक्चुअली इट इज, ठीक, ओके। देन रिसर्च इज डिफाइंड एज अ केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ स्टडी रीडिंग अ पर्टिकुलर कंसर्न और प्रॉब्लम यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स, फिर रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब एक्सप्लेन प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व्ड फिनोमेनन। यहाँ पे आप देखिए डिस्क्राइब एक्सप्लेन प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल, इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो सोशल साइंसेज में हो सकती हैं और कौन सी नहीं हो सकती? कंट्रोल के लिए तो ऑब्वियसली, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि कैन नॉट कंट्रोल, व्हाई? बिकॉज़ देयर आर सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, और उस पूरी चीज में हर इंसान मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल ह्यूमन बिहेवियर में एंगल इज बेसिक, उस एंगल को आप टोटली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उस एंगल को मैनेज कर सकते हैं थ्रू लॉज एंड रेगुलेशंस। मुझे पता हो कि किसी को थप्पड़ मारने के जवाब में मुझे थप्पड़ ही पड़ना है तो ऑब्वियसली आई विल बी केयरफुल, इफ आई नो दैट इफ आई एम गोइंग टू किल समबॉडी आई विल बी हैव टू डेथ, तो सिस्टम ठीक है तो ऑब्वियसली किसी को मार डालने की वो जो फीलिंग मेरे अंदर है I will be controlling, नहीं तो सोसाइटी विल बी कंट्रोलिंग थ्रू इट्स रूल्स, लेकिन जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन काम ही नहीं करें, मुझे पता है कोई 2-4 फुट करके साइड निकल जाऊँगी, जो ना चुना 2-4 साल रह के वापस आ जाऊँगी, दुनिया भूल जाएगी, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, इन दैट सिनेरियो देयर इज नो कंट्रोल, लेकिन स्टिल कंट्रोल हो सकता है लेकिन नहीं हो सकता, वो जो डिफरेंस है। इस तरह के जुमले में इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप रिसर्च करते हो सोशल साइंसेस की रिसर्च, तो उसमें ये वो वाली चीज़ें हैं जो
शायद हमें ध्यान में हमेशा रखने की जरूरत है। प्रोबेबिलिटी, ह्यूमन बिहेवियर्स, प्रेडिक्टिविटी और प्रेडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर्स, अनप्रेडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर्स, और वो पूरा सोसाइटी, सोसाइटी का ग्रोथ का पैटर्न, सोसाइटी का ग्रोथ का लेवल और सर्टेन इंसिडेंट्स के नतीजे में सोसाइटी के ग्रोथ में चेंजेस के पैटर्न्स, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी रिसर्च को इफेक्ट करती हैं और आपको एज अ सोशल साइंटिस्ट इन चीज़ों को साथ लेके चलना है। ओके, अच्छा पिछली स्लाइड, ये एक बेसिक सवाल है एंड आई नीड इट्स आंसर फ्रॉम यू। What is research? इसके तो आप लोगों ने बात की, लेकिन what is research? That is clear research to find new things. Research के जिसी प्रकार चीजें दर्शन चीजें नई नई explore करना. Let's I can say that as a law student man, जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर एक criminal law एक था मैम होमोसाइड का एक कॉन्सेप्ट था जो ब्रिटेन्स में देखा गया थे, बट व्हेन वी विल इंडिपेंडेंट हम देखा ये हमें कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता होमोसाइड का, वी आर लिविंग हमारे इस्लाम इज अवर रिलीजियस, तो हमने मैम इस्लामिक प्रोविजन उसके अंदर ले आए और मैम उसके अंदर कतल की जो कत्ले अहमद शबे अहमद जो इस्लाम कहते हैं हमने वो कंसिडरेशन कर ली, तो ये हमने अपने ही उस लॉ के अंदर रिसर्च किया है। अगर हम उसको नई चीज लेकर नया बना देते इस्लामिक क्रिमिनल लॉ तो फिर हम उसको पूरा रिसर्च कर लेते। ओके, दैट इज वन एग्जांपल जो रिसर्च की पॉजिटिव एग्जांपल है। रिसर्च एक और भी है जो हमारे यहाँ रिसर्च की जगह कर ली जाती है और कहा जाता है मैंने तो रिसर्च यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर में मैम से ऐसा हो जाता है कि रिसर्च कर लेते प्रॉब्लम निकाल के वो वाली रिसर्च पहुंची आप तक। एक्चुअली होता ये है कि टू कंडक्ट अ रिसर्च इज अ डिफिकल्ट टास्क। You have to manage a lot of resources, time, energy, focus, concentration, and at times, if you are involved in a research, which is genuine one, तो आपको अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके कोने के लाने होना पड़ता है, दोस्तों को आगे होने पड़ते हैं भाई जान के दो महीने ना शक्ल देखो ना दिखाओ। It happens, particularly जब आपका जो thesis की finalization का phase है या आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या जैसे नेचुरल साइंसेज में कोई इन्वेंशन का फेज होता है किसी का, ही वांट्स टू फोकस। इवन हमारे एक सर कहते थे कि जब आपका थीसिस चल रहा है तो यू कैन नॉट राइट इन अ जेन्युइन पेपर और अ जेन्युइन थीसिस अंटिल एंड अनलेस आप बैठते थीसिस के साथ हो, खाते थीसिस के साथ हो, सोते थीसिस के साथ हो, जागते के साथ। मीन्स हमारी जिंदगी में लेट्स से फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ गर्ल शायद मुझे ध्यान रहता होगा कि अच्छा फैशन में क्या चल रहा है, कौन सी लुक टॉप पे है, आजकल किस रंग की लिपस्टिक इन है, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। लड़कों के भी ये सारे प्रॉब्लम्स हैं पर क्योंकि लड़कियाँ इस चीज़ के लिए हाईलाइट की जाती हैं इसलिए मैं इनमें साथ देती हूँ। जब जिस फेज में आपकी थीसिस चल रहा है तो क्या क्या लड़ना चाहिए, अच्छा इस वाली हेडिंग में क्या लिखना है, इस हेडिंग के हवाले से फ्लान थी रिलेट करती है, ये थेरी पे किसने काम किया है, इस थेरी को किसने अप्लाई करने की कोशिश की। जब मैं वो बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ रहा था तो उसमें कौन सी खास बात थी जो मुझे तब क्लिक करें। कई दफ़ा जब आप सोने लेटते हो तो आपको याद आता है ये जो पैराग्राफ आपने लिख दिया है ये तो पिछले हफ्ते आपने किताब पढ़ी।